तो आज हम ट्रैवल करने वाले हैं इलेक्ट्रिक बस में, जो कि जम्मू से उधमपुर रहेगी हमारी जर्नी। हम एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कैसा रहता है जम्मू से उधमपुर जाने का एक्सपीरियंस इस इलेक्ट्रिक बस में, जो कि फुल्ली एयर कंडीशन है। और ये बसेस काफ़ी जम्मू सिटी में भी चलती हैं, इसी तरह से कश्मीर सिटी में भी चलती हैं। और अभी हम जा रहे हैं जम्मू से उधमपुर के लिए, और यहाँ पे केसी चौक से हम थोड़ा सा पहले और बस स्टैंड से थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ पे इसका मेन स्टॉप है। और यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं बस के चलने का, देखते हैं कितनी देर में निकलती है। बाकी अभी टाइम देख सकते हैं, अभी 10:30 होने वाले हैं, अभी बस यहाँ पे रुकी हुई है। इसकी एक एप्लीकेशन भी आती है, बट वो अभी उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्लिच्स हैं, वो प्रॉपरली काम नहीं करती है, तो आप मेन स्टॉप पे वेट कर सकते हैं। तो अभी देख सकते हैं 10:35 हो चुके हैं, यहाँ पे ज़्यादा देर बस नहीं रुकती है, बस 10 मिनट रुकेगी और उसके बाद यहाँ से चल पड़ेगी। और इसकी खास बात ये रहती है कि जब भी बस जाने से पहले ना नगरोटा या बीच वाली टिकरी रास्ते वाली सवारियाँ नहीं उठाते हैं। जो भी बस के कंडक्टर रहेंगे वो स्टार्टिंग में ही आपको बता देंगे कि खाली उधमपुर वाली सवारियां ही बैठे या जो उधमपुर के आसपास वाले वो ही बैठे। तो भी हम दिखाते हैं जम्मू से उधमपुर कितना टाइम लगता है इसमें, और ये बाकी वाली बस से मतलब हम एक्सपीरियंस शेयर करेंगे उससे कितनी ज़्यादा फास्ट है, क्या इसके अच्छी पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है और नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, वो सब इस वीडियो में बात करेंगे। अभी फिर से टाइम देख लेते हैं, ये देख सकते हैं अभी हम पहुँच चुके हैं 4 लेन पर, अभी लगभग 10 मिनट कम 11 पे है बस ना। अच्छी बात यह है कि बस ज़्यादा देर तक रुकी नहीं, खाली अम्फला वहाँ पे भी एक स्टॉप आ जाता है, वहाँ पे रुकी थी 2 से 3 मिनट, और जो भी वहाँ पे सवारियाँ थी उनको बिठाते ही फिर से बस चल पड़ी। तो ये बाकी जो बसेज हैं ना उनकी तरह रुकती नहीं, और एसी लगा है और मॉडरेट टेम्परेचर, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। बीच में आप देखेंगे बीच में जो इसकी सीट्स हैं वो नीचे, और जो स्टार्ट वाली सीट्स हैं पैसेंजर वाली उनकी हाइट ऊपर है, और जो इसी तरह से जो लास्ट में सीट आती है उनकी भी हाइट ऊपर है, और बीच में से इसकी थोड़ी सी डाउन है। बाकी इसकी टिकट वगैरह ऑनलाइन कट जाती है, इसकी टिकट का मैं प्राइस भी बताऊंगा आपको आगे चल के जैसे ही भाई आएंगे हमारी टिकट काटने। बाकी व्यू यहाँ से बाहर काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त आता है और एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा। हाँ, एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, इसके सस्पेंशन थोड़े से बेटर हो सकते थे, तो सबसे पहले हम टिकट कटा देते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ से UPI से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, बट कभी कभी इनका UPI नहीं चलता है, तो आप कैश भी साथ में रख ही लें। और ये देख सकते हैं टिकट का प्राइस रहता है 120, अभी हम दो बंदे हैं तो हमारा 240 हो चुका है टोटल, जो कि रहने वाला है जम्मू से उधमपुर, जो कि लगभग जो दूसरी बसेस चलती हैं उनसे लगभग आपको 20 रुपये ज़्यादा देखने को मिलेगा किराया। और इतना सा AC के लिए मतलब आप कर सकते हैं, क्योंकि ये बस के अंदर सफाई वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और अभी ना जम्मू से कटरा दुमेल के लिए आप 6 लेन का काम हो रहा है, एक्सप्रेसवे का काम हो रहा है, उस वजह से काफ़ी ज़्यादा डस्ट होती है। तो अगर आप बाकी बसेस में ट्रैवल करेंगे तो आपको सब डस्ट अंदर आ जाएगी, क्योंकि उनकी खिड़कियां खुली रहती है, बट ये बस पूरी तरह से बंद रहने वाली, इसके अंदर बिल्कुल भी डस्ट नहीं आने वाली। और साथ में देख सकते हैं आप एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है, तो यहाँ पर कोई धूल वगैरह नहीं होने वाली है। बाकी इसके अंदर से इसका व्यू इतना ज़्यादा ज़बरदस्त आता है, अगर आप बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आपको बिल्कुल इसमें ट्रैवल करना चाहिए, क्योंकि आप पूरी जगह इंजॉय करेंगे। मैं आपको आगे आगे व्यू भी दिखाऊंगा कितना ज़बरदस्त है। और बाकी बस अंदर से ऐसी लगती है, बाकी यहाँ से आप बाहर देख सकते हो और क्लाउड देख सकते हैं कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, कितने ज़्यादा जगह बेहतरीन लग रही है। और ये बड़े बड़े शीशे हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा बड़ी विंडोज़ में काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यू आता है, और सेम दूसरी साइड भी आपको इसी तरह से विंडोज़ देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी होती है, बट जब हम इस बस में पहुंचते हैं तो आराम रहता है। और अभी हम बर्न टोल प्लाजा पे पहुंच चुके हैं, अभी टाइम देख सकते हैं 11:10 हो चुके हैं, तो स्पीड अभी तक काफ़ी बढ़िया है यहाँ तक। बाकी मैं एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ बस का, जो मेरे को लगा जब भी आप थोड़ी सी चढ़ाई वाला एरिया आ जाता है ना, तो वहाँ पर बस की स्पीड उतनी अच्छी नहीं रहती है, बट जब उतराई वाला आता है तो बस अच्छी स्पीड में चलती है। बट ना जाने क्यों बर्न टोल प्लाजा के बाद में ये वाला बस वाला हमारे ड्राइवर वहाँ पर रुक गए और हम वेट कर रहे थे, बट वो काफ़ी देर तक रुके, और सामने की ओर इलेक्ट्रिक बस भी रुकी हुई है, तो उनसे कोई उनके ड्राइवर से बात वगैरह कर रहे थे। तो अभी हमको लग रहा था अभी चलेंगे, यहाँ पे कोई स्टॉप भी नहीं है, बट यहाँ पे हमारे ड्राइवर काफ़ी ज़्यादा देर तक रुके, और ये समझ से बाहर था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे
काफ़ी ज़्यादा देर तक रुके हमारे बस वाले ड्राइवर, और टाइम भी मैंने आपको दिखाया, तो काफ़ी ज़्यादा बिना काम के, शायद से ड्राइवर को कुछ काम होगा जो भी बस के ड्राइवर हैं, तो वो रुके थे, काफ़ी ज़्यादा वेट किया, उसके बाद फिर से बस चल पड़ी है। और अब बस की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी है, मतलब कि जैसे ही थोड़ी चढ़ाई आती तो बस की स्पीड आप दूसरी बस से कंपेयर करेंगे तो स्पीड इसकी काफ़ी ज़्यादा कम रहती है जो भी चढ़ाई में रहती है, क्योंकि जो दूसरी बसेस चलती है जम्मू टू उधमपुर खासकर, वो थोड़ी सुपर फास्ट टाइप की बसेस रहती हैं, बट ये वाली बस थोड़ी उससे कंपेयर करें तो स्लो है। और बाकी सस्पेंशन भी इसके थोड़े बढ़िया और हो सकते थे, उतने ज़्यादा बढ़िया सस्पेंशन नहीं है, क्योंकि जब भी खड्डे में जाती है तो आपको वो महसूस होने वाला है। बाकी यहाँ पर व्यू देख सकते हैं कितना प्यारा, कितना बढ़िया व्यू आता है बस के अंदर से। और जैसा मैंने आपको दिखाया था कि 10:35 पे वहाँ से जम्मू से निकली थी, उसके बाद ये हमारे ड्राइवर लगभग 30 मिनट ऐसे ही रुक गए। और अभी हम देखने नंदनी वाले टनल्स जाते हैं, बैक टू बैक चार टनल्स वहाँ से क्रॉस हो रही है, ये देख सकते हैं। तो अभी बस के अंदर लाइटिंग वगैरह तो ऑन नहीं हुई है, तो मैं बता नहीं सकता हूँ इसके अंदर लाइटिंग है या नहीं है, लाइटिंग तो होगी बट अभी देख सकते हैं लाइटिंग ऑन नहीं करी थी टनल के अंदर। बाकी ये देख सकते हैं बस, और यहाँ पे मतलब ग्रिप करने के लिए भी, अगर आप खड़े खड़े जाते हैं वो ग्रिप करने के लिए भी, और इसी में खासकर अभी जम्मू में काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहती है, तो अगर आप दूसरी बसेस में चलते हैं तो पसीना पसीना हो जाता है। इस बस में आप रिलैक्स होकर जा सकते हो, पूरे व्यू को एंजॉय कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। बट थोड़ी सी अगर ये बस और तेज़ स्पीड इसकी होती तो ज़्यादा बेटर रहता, और अगर हो सकता है ये बसेस अगर जम्मू से डायरेक्ट बटोत रामबन डोडा के लिए भी चल पाएँ तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा वहाँ के लोगों के लिए। तो अभी ये बसेस नहीं हैं और काफ़ी ज़्यादा साफ़ भी हैं, और सस्पेंशन मतलब उतने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, बट अभी अच्छा एक्सपीरियंस है आपको, उतनी ज़्यादा बस में नॉइज़ नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि इलेक्ट्रिक बसेस है, इसकी कोई आवाज़ भी नहीं होती है, तो साइलेंटली चलेगी। बट यहाँ पे आपको ना थोड़ी सी लगेगी कि बस शायद से थोड़ी और तेज़ होती तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि आप थोड़ा जल्दी पहुँच सकते हैं। और अभी जैसे एक्सप्रेसवे का काम भी चल रहा है कटरा दोमेल तक, तो वहाँ पे मतलब बीच बीच में रोड को 4 लेन जो पहले से बना हुआ उसको 2 लेन कर दिया गया, उसके वजह से भी बस स्लो हो जाती है थोड़ी सी, और इसका पिकअप वगैरह बाकी बसेस से काफ़ी कम देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी स्पीड भी मतलब ज़्यादा स्पीड नहीं है, आप देख सकते हैं चढ़ाई में इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम रहती है 40-45 की। बट एक जो बढ़िया चीज़ है, हम पॉजिटिव चीज़ की बात करते हैं, ये बस ना बार बार स्टॉप्स पर नहीं रुकती है, मतलब कि रास्ते वाली सवारियां नहीं उठाती, और पहले ही शुरू में गाइड कर देते हैं कि रास्ते वाली सवारियां ना बैठे। इसी तरह से हम जब दूसरी बसें चलती है जम्मू से उधमपुर वाली, वो बिल्कुल मिनी बस की तरह चलती है, मेटाडोर की तरह, वो हर 5 मिनट के बाद ब्रेक मारती है, जहाँ पे भी सवारी दिखेगी वहाँ पर उठाती है और छोड़ देती है। तो ये वाली बस में वो वाला सीन नहीं देखने को मिलता है, तो ये हमारे बस वाले थोड़ी देर रुक गए थे अभी ऐसे ही बिना काम, इनको ऐसे काम होगा वरना ये बस पर जल्दी पहुँच सकती थी। बाकी इसके अंदर से जो व्यू आता है ना, ये आपको दूसरी वाली बसेस में देखने को नहीं मिलेगा, और दूसरी वाली बसेस ना काफ़ी बार रुकती हैं, चलती हैं, और वो फुल कर देते हैं, मतलब खड़े खड़े उनमें इतने लोग बैठे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड मतलब स्पेस बना देते हैं। बट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सब इन्जॉय कर रहे हैं, बाहर का व्यू इन्जॉय कर रहे हैं और आराम से बैठे हैं, ये देख सकते हैं। और बाहर का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना ज़्यादा ज़बरदस्त व्यू है, जैसे जैसे हम उधमपुर पहुँचने वाले हैं आप व्यू देख सकते हैं, पहाड़ी पर मंदिर कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, और हम आगे जा रहे हैं और बाहर का व्यू देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। तो अगर आप जगह को एंजॉय करना चाहते हैं, आप जम्मू से उधमपुर जाते हैं और ब्यूटी एंजॉय करना चाहते हैं, तो बिल्कुल इस बस में बैठें। अगर आप छोटी गाड़ी टैक्सी बुक करके जाते हैं उसमें भी आपको ये व्यू नहीं दिखने वाला, और एसी और टेम्परेचर अच्छा रही। हम उतरने वाले हैं बस से, थोड़ी देर के बाद उतरेंगे, मैं आपको आगे से पहले दिखा देता हूँ कि आगे से जहाँ पर ड्राइवर बैठते हैं कैसा दिखता है बस का आगे फ्रंट वाला व्यू कैसा है।
डैशबोर्ड वगैरह, ये देख सकते हैं ये रहने वाला है डैशबोर्ड। यहाँ पे बस की स्पीड वगैरह भी दिखाते हैं और रेंज वगैरह भी दिखा देता है। और यहाँ पे आगे सामने आपको सीसीटीवी कैमरा भी देखने को मिलेगा जो कि पूरा बस को कवर कर देता है। और यहाँ पे टाइम देख सकते हैं आप, 12:30 हो चुके हैं, लगभग हमको 2 आवर्स लग चुके जम्मू से उधमपुर पहुँचते पहुँचते। और जैसे कि मैंने बताया कि 20 से 30 मिनट, तो मतलब 30 मिनट तो ऐसे वेस्ट करे खुद से रुक के, अगर वो नहीं वेस्ट करे होते लगभग 1.5 घंटे लग जाते हैं, और 1.5 नहीं भी मतलब 1 घंटा और 40 मिनट आपको लग जाएंगे। और दूसरी बसेज में भी इतना टाइम लग जाता है, दूसरी बसेज शायद से 10 या 20 मिनट पहले पहुँचा दे आपको। बट जो आपको इसमें एक्सपीरियंस मिलने वाला वो मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार आपको इसमें ज़रूर बैठना चाहिए। जितने भी भाई जम्मू से उधमपुर जाते हैं तो आपको किसी चौक से पहले आपको देखने को मिल जाएगी, वहाँ पे इसका बस का स्टॉप है। और वहाँ पे भी ज़्यादा देर बसेस वेट नहीं करती हैं, 10 मिनट रुकेंगे और उसके बाद जैसे ही बस निकलेगी उसके बाद दूसरी उधमपुर वाली बस आ जाएगी। बाकी अभी हमको बाहर से भी बस दिखाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं लोग कितने आराम से बैठे हैं, कोई ज़्यादा सवारियाँ भरी नहीं है। और जो सबसे बढ़िया बात है, जो भी इलेक्ट्रिक बस के ड्राइवर हैं ये बिल्कुल भी रैश ड्राइविंग नहीं करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। काफ़ी अच्छा ड्राइव करते, बिल्कुल भी रैश नहीं करते।